अयोध्यावासी भी पलके बिछाई आज इस बारात के आने का इंतजार कर रहे हैं। सभी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों की शंखों की सुंदर ध्वनियां आज सुनाई दे रही हैं। ढोल नगाड़े बजाते हुए ये बारात आज
वहाँ पर पहुँच रही है। मुख्य द्वार पर जब पहुँचती है, आज माताएं पानी ग्रहण की परंपरा करती है, आज अपनी बहुओं पर पुत्रों पर पानी वार कर ग्रहण करती है और उनका सुंदर स्वागत उनकी आरतियां उतारती है। यह प्रवेश होता है सभी का और आज अयोध्या में अयोध्या के लोग जो आनंद हर्ष से उल्लासित है, आनंद की बाढ़ आज अयोध्या में आ चुकी है। इतने सुंदर दुल्हने देकर सभी मंत्रमुग्ध हैं और सारी ही दुल्हे इतने सुंदर सुशोभित हो रही हैं, सभी बलैया ले रही हैं। आज अयोध्या में कैसा माहौल है और सभी कैसे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, महाराज दशरथ को कैसे बधाइयाँ दे रहे हैं, कैसे बधाइयाँ ले रहे हैं। आइए हम सभी भी चलते हैं। आप नाराज मत होना, पहले आपको जनकपुरी मिथिला में लेकर गए थे, अब आपको सभी को अयोध्या लेकर चलते हैं। कौन कौन जाने को तैयार है? आप जैसे भक्तों का प्रेम आनंद देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी अयोध्या से ही यहाँ पर पधारे हैं। आइए हम सभी अयोध्या में चलते हैं। कैसे ये बारात अपने आनंद वर्षा कर पिता को और कौशल्या को दे रही है। आइए हम सभी भी श्री राम और सिया को बधाई में अर्पित करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं और क्या गाते हैं। आइए सीताराम दर्शन से बरसे जैसे रावण की झड़ी, सीताराम दर्शन से बरसे जैसे रावण की झड़ी, सीताराम दर्शन से बरसे जैसे रावण की झड़ी, रावण की झड़ी ओ प्यासे प्राणों पे पड़ी, रावण की झड़ी ओ प्यासे प्राणों पे पड़ी, सीताराम दर्शन से बरसे जैसे रावण की झड़ी, सीताराम दर्शन से बरसे जैसे सावन की झड़ी। देखिए मुझे लगता है जो बैठे हैं उनको खुशी नहीं है, सीता का राम से विवाह क्यों हो गया, सभी नाराज हो रहे हैं, ऐसा है नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है? सिया राम को मिल गई है, कौन कौन प्रसन्न है ये बता दीजिए मुझे, बोलकर तो नहीं बता सकते, बड़ा ही शोर है, कैसे बताएंगे? ताली बजाएंगे सभी के हाथ एक बार ऊपर। सीताराम दर सिर से बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दर सिर से बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी ओ प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी ओ प्यासे प्राणों पे पड़ी, सीताराम दर सिर से बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दर सिर से बरसे जैसे सावन की झड़ी। अवधि अंगूठी में जड़ी ने, अवधि अंगूठी में जड़ी ने, राम लखन ने बोल लगी ने, अवधि अंगूठी में जड़ी ने, अवधि अंगूठी में जड़ी ने, अवधि अंगूठी में जड़ी ने, सीता ऐसे सोहर रहते मोती की लड़ी, सीता ऐसे सोहर रहते सीताराम दर सिर से बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दर सिर से बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी ओ प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी ओ प्यासे प्राणों पे पड़ी, सीताराम दर सिर से बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दर सिर से बरसे जैसे सावन की झड़ी। Thank you.
सिया के दर्शन पालो, हम सिया के दर्शन पालो, राम सिया के दर्शन पालो। राम राम कंदन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो, हम सिया के दर्शन पालो, राम सिया के दर्शन पालो। सीता ऐसे सोहर जैसे मोती की लड़ी, सीता ऐसे सोहर जैसे मोती की लड़ी, सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी हो प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी हो प्यासे प्राणों पे पड़ी, सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम तरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। अवधे अंगूठी में जड़ दीने, अवधे अंगूठी में जड़ दीने, अवधे अंगूठी में जड़ दीने, राम लखन अनमोल लगीने, अवधे अंगूठी में जड़ दीने, अवधे अंगूठी में जड़ दीने, अवधे अंगूठी में जड़ दीने। सीता ऐसे सोहर जैसे मोती की लड़ी, सीता ऐसे सोहर जैसे मोती की लड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ियों प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ियों प्यासे प्राणों पे पड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। आप सबने आशीर्वाद दे रहे हैं। मंत्र मुग्ध है, जानते हैं कि आज दशरथ नहीं जानते ये राम नारायण है, और जानकी तो हर हर जन्म में इनकी ही अर्धांगिनी रही है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ,
सब काम को प्रभु ने पहले ही सोचे हुए हैं। जानकी तो सदैव से ही श्री राम की ही है और उन्हीं की है, उनकी ही रहेगी। और आज गुरु विश्वामित्र जी के साथ गुरु वशिष्ठ जी भी बहुत प्रसन्न हैं और मन ही मन जानते हैं कि मैं सब भेद जानता हूँ, राम नारायण हैं, आनंद सुख देने वाले हैं। इस प्रकार से बहुत आनंद सुख की वर्षा आज अयोध्यापुरी में हो रही है। अयोध्या के घर घर में दीपक चल रहे हैं, सभी हर्ष उल्लासित हैं, सभी राम को बधाइयां देते हुए मन ही मन सोचते हैं। इसी प्रकार से आज सभी आनंदित हैं, सभी बधाइयां दे रहे हैं कि ऐसे राम हमें अगर राजा के रूप में भी प्राप्त हो तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। दशरथ जी तो राजा के रूप में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में दशरथ जी अपने पुत्र राम को ही राजा बनाएं, ऐसा मन का भाव है। और भक्तजनों, ऐसा ही हम सभी का भी भाव है। हम भी भारत में राम राज्य को देखना चाहते हैं, राम का राज्य इस धरा पर आए। वो राम राज्य था जब घरों में ताले नहीं लगा करते थे, वो राम का ही राज्य था जब सभी एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से भाईचारे के संग रहा करते थे। किसी भी प्रकार का आतंक भय राम राज्य में नहीं होता था। और आज भी हम भारतीयों को ये उम्मीद है, ये आस है, ये विश्वास है कि हमारे भारत में भी राम का राज्य हो, हर हर घर में राम की पूजा हो, हर हर घट में राम की पूजा हो। जब घट में राम की पूजा होगी तो बाहर राम राज्य स्वतः ही अपने आप ही बन जाएगा। राम के गुण जब हम धारण कर लेंगे, एक अच्छे पति के रूप में राम है, एक अच्छे पुत्र के रूप में राम है, एक अच्छे पिता के रूप में राम है। इसीलिए राम हमें अपना आदर्श बनाकर ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में एक मनुष्य के रूप में अच्छे पति, पिता और पुत्र की भूमिका निभाओ और अपने जीवन को राम में कर लो, तो तुम्हारे जीवन के साथ साथ पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में राम का ही राज्य होगा, राम ही राम होंगे। इसीलिए भक्त अपने रोम रोम से कण कण में उस राम की महिमा को ही श्रवण करते हुए कैसे झूमते हैं, कैसे राम की महिमा का गुणगान करते हैं, आइए श्रवण करते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संचालक एवं संस्थापक परम आराध्य गुरुदेव सन श्री आशुतोष जी महाराज, उनकी परम शिष्या कथा व्यास साध्वी ज्योत्ना भारती जी के माध्यम से आप श्री राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री शिव मंदिर फेस 9 आपकी मैनेजमेंट ने किया है। एक बार इस मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां। लगभग 2 महीने पहले टीम मुझे सेक्टर 45 में मिली, वहां पर श्री राम कथा का कार्यक्रम संस्थान की ओर से चल रहा था, तो सभी सज्जन ये बात कहने लगे कि स्वामी जी, हमने भी अपने सेक्टर में कार्यक्रम करवाना है। उस समय मुझे इनका उत्साह, इनका जोश देखकर बहुत खुशी हुई कि जो जज्बा इस टीम में था, मैंने कहा कि यदि आपने सोच लिया है ये कार्यक्रम, आपका मुझे प्रेम और उत्साह देखते हुए ये विश्वास है कि ये कार्यक्रम जरूर होगा आपके मंदिर में, जबकि हमारे पास
बहुत व्यस्तता थी कार्यक्रमों की, क्योंकि 6-7 महीने पहले ही हमारे पास कार्यक्रम बुक हो जाते हैं। तो वर्मा जी मुझे कहने लगे कि स्वामी जी जैसे भी है कार्यक्रम हमने तो सोच लिया है कि हमने करवाना है, अब कैसे करना है ये आपने देखना है, हम इसे फाइनल कर चुके हैं। तो जिस समय ये सारी टीम ने ये बात कही तो आप समझ सकते हैं कि सारी टीम की श्रद्धा भावना एक प्रभु के चरणों में प्रेम, ये तो अपनी बात कहकर चले गए, हमारे सिर के ऊपर चिंता की गठड़ी रह गई। हमारे पास कार्यक्रम बहुत ज्यादा बुकिंग थे इस मंथ में भी, लेकिन हम इसी में लगे रहे कि अब इस कार्यक्रम को सेट कैसे करना है, क्योंकि प्रभु भी एक भावना के रूप में जिसमें आप सच्चे मन से प्रभु के किसी भी कार्य के लिए अपने कदमों को बढ़ाते हैं, तो एक भक्त की भावना में प्रभु भी बन जाते हैं। तो फिर इन सारी टीम की भावना को देखते हुए हमें ये कार्यक्रम फिर एडजस्ट करना पड़ा, टीम को सेट करना पड़ा। स्पेशल हमने रिक्वेस्ट की नूरमहल में और आपके सेक्टर में, आप इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का इस पूरी टीम के जज्बे और भावना के द्वारा ही आप इसका आनंद ले रहे हैं। तो मैं इन सभी सदस्यों के लिए ये प्रार्थना करता हूं प्रभु के चरणों में कि ऐसे ही इनके ऊपर अपना आशीर्वाद अपना प्रेम बनाए रखे, ऐसे ही धर्म के कार्यों को करते हुए अपना जीवन सार्थक कर पाए और आप सब भी उन कार्यक्रमों में भाग लेते हुए प्रभु की पावन कथा को श्रवण करते हुए अपना भी जीवन सार्थक कर पाए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके पूरी वर्ल्ड में दुनिया भर में लगभग 550 के करीब ब्रांचेस हैं, हजारों सन्यासी, जैसे आप साध्वी बहने मंच के ऊपर देख रहे हैं, महात्मा जन आप देख रहे हैं, हजारों सन्यासी गुरु महाराज जी के आज पूरी दुनिया में इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार लेकर ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका एक लघु सा रूप आप अपने सेक्टर में देख रहे हैं। ये सभी सन्यासी परम आराध्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं और वेल एजुकेटेड हैं और निष्काम भाव से समाज के कल्याण के लिए इन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आप खुद समझ सकते हैं, आप गृहस्थ में रहते हैं, आपके घरों में बेटे बेटियां हैं, आप समझ सकते हैं एक बेटा संन्यास में चले जाए तो बड़ी बात नहीं होती है परिवार के लिए, लेकिन एक बेटी युवा अवस्था में पढ़ लिख कर, बहुत सी हमारी साध्वी बहनें जॉब करती थी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने जिस समय परम आराध्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, अपने घट में ईश्वर का साक्षात दर्शन किया, उस ईश्वर का ध्यान करते हुए चिंतन करते हुए जिस समय ईश्वर के साथ अनुभूति को प्राप्त करके जुड़कर उन्होंने अंतर मन से अपनी खुशी से ये फैसला लिया कि संसार की गृहस्थ की इस दलदल में तो सब चल रहे हैं, लेकिन हम अपना जीवन समाज कल्याण के लिए सनातन धर्म का प्रचार जन जन तक पहुंचाने के लिए हर उस जिज्ञासु को ईश्वर का साक्षात अनुभूति करवाने के लिए, उसके दर्शन का ब्रह्म ज्ञान का संदेश देने के लिए अपना जो जीवन है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में समर्पित करें, ताकि हम पूरे विश्व को उस ब्रह्म ज्ञान के रंग में
रंग सके, हर जिज्ञासु को ईश्वर की अनुभूति का संदेश दे पाए। और उसके पश्चात इन सभी साध्वी बहनों ने ये निर्णय लिया और उसकी आज ये प्रत्यक्ष उदाहरण आप मंच के माध्यम से अपने समक्ष देख रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिस ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा है, उस ब्रह्म ज्ञान को, उस ईश्वर दर्शन को, दिव्य दृष्टि का जो खुलने का आप शास्त्रों के प्रमाण सहित श्रवण कर रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की मात्र बातें नहीं है। परम आराध्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष जी महाराज इस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करते हैं और इन्होंने उनकी कृपा से प्राप्त किया है। उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने घट में ईश्वर का साक्षात दर्शन किया है और आप सब भी उस ब्रह्म ज्ञान को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और अपने घट में उस ईश्वर का साक्षात प्रकाश का, ज्योति का दर्शन कर सकते हैं। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मात्र आपको कथा कहानी सुनाए, भजन सुनाए, आप आए तालियां बजाए, चल दिए। जिस ईश्वर की आप लोग पूजा करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, उस ईश्वर का आप दर्शन कैसे कर पाए अपने घट में, उस ईश्वर के साथ आपका मिलन कैसे हो पाए, योग कैसे हो पाए, उसका धार्मिक शास्त्र हमें क्या उपदेश देते हैं, वो कथा के माध्यम से आपको समझाया जाता है कि इस कथा को सुन के आप सबके भीतर में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि मेरे जीवन के 20 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष निकल चुके हैं, मात्र मैंने सारी अपनी आयु मानने में ही तो नहीं निकाल दी, मैं उसके अनुभूति कैसे कर पाऊं, उसको मिल कैसे पाऊं। और उसी जिज्ञासा को जो भी आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा कथा सुनेंगे, भजन संध्या सुनेंगे, ये विलक्षण कथा होगी। आपको मात्र भगवान की लीलाएं नहीं सुनाई जाएगी, आप मंच के माध्यम से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उन आध्यात्मिक प्रभु की लीलाओं के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या छुपे हुए, वो हमें जीवन के कल्याण करने के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, हम ईश्वर के साथ योग कैसे कर पाए, दर्शन कैसे कर पाए, वो भी आपको समझाया जा रहा है कि आप सब उस ईश्वर के साथ एकाकार होकर हो पाए, उसका अपने घट में निराकार स्वरूप में दर्शन कर पाए और केवल मात्र हमारा सारा जीवन मानने तक सीमित ना रह जाए, हम उसको जान भी पाए। शास्त्र कहते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, यदि आपके जीवन में प्रत्यक्ष दर्शन आ गया तो वहां पर प्रमाण सब फीके पड़ जाते हैं। हमारे शास्त्र ईश्वर दर्शन की, ईश्वर अनुभूति की बात करते हैं। हम अपनी जिज्ञासा को केवल मात्र मानने तक सीमित ना रखें, उस भगवान को अपने घट में जानने के लिए भी अपने कदमों को बढ़ाएं, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं, प्रभु अपने आप आपकी जिज्ञासा पूर्ण करेंगे। सो अभी दो दिन और भी है, आप इस भगवान की पावन कथा के माध्यम से और भी प्रभु की लीलाओं के साथ साथ आध्यात्मिक रहस्यों को भी श्रवण करेंगे। सो मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है। अच्छा ये बताइए मुझे, कथा स्टार्ट होने का समय क्या है? 6 बजे 8 बजे 6 बजे। अच्छा कितने भक्त हैं जो 6 बजे यहाँ पहुंच जाते हैं, हाथ खड़ा करो। संख्या अब वो हाथ खड़ा करो जो बाद में आते हैं, आप खुद ही देख लीजिए संख्या किधर को जा रही है। सो मात्र 2 दिन और बचे हैं, मेरा आप सब से निवेदन है, देखिए पूरी टीम ने कितना प्रयास किया है, आप सब के लिए किया है। सो आने
लगभग ऑफिस से सभी 6 बजे तक आ ही जाते हैं। सो आप सभी प्रयास करें आने वाले 2 दिनों में 6 बजने से 5-7 मिनट पहले यहाँ पर पहुंचे और आने वाले 2 दिनों में पूर्ण कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ एक सेवा भी आपने करनी है कि आप यहाँ आ रहे हैं, जो आपके आस पड़ोस में भाई बहन भक्त जो है उन्हें भी संदेश दे, जो नहीं आ रहे हैं, कि कथा बहुत अच्छी चल रही है, आप भी चलिए। प्रयास करें कि अपने साथ 2 मेंबर और लेके आए, उनके भीतर में भी जिज्ञासा की लौ जगाएं और उन्हें भी लेके आए ताकि वो भी अपने जीवन को सार्थक कर पाए। करेंगे इस सेवा को कितने लोग करेंगे? आपको पता है कि आप भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान की पावन कथा में बैठे हैं, भगवान के दरबार में बैठे हैं। सो आपने प्रयास जरूर करना है, संदेश देने का प्रयास जरूर करना है, मोटिवेट जरूर करना है, आगे भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है जी, आपने 2 दिन लगातार अपनी सेवा को जरूर निभाना है, प्रयास करना है कि 2 नए भक्त कल पंडाल में और आने चाहिए ताकि वो भी इस कार्यक्रम को सुन के अपने जीवन का सार्थक कर पाए। शास्त्रों में कहते हैं कि जो अपने जीवन का कल्याण करने के साथ साथ और जिज्ञासुओं को भी प्रभु की पावन कथा में लेके आता है उसका तो कल्याण होता ही होता है, और जिसको आप लेके आएंगे उसका भी फल आपको मिलेगा। समझ लगी? सो इसलिए अपने पुण्य को और बढ़ाएं। आने वाले 2 दिनों में आपके शहर में संस्थान के 2 आश्रम हैं, कभी भी आप दिन में भी वहां पर हमारी साध्वी बहनों को मिल सकते हैं। इनका जो निवास स्थान है, आश्रम है, सेक्टर 15 में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, House No. 1669। सुबह 9 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप कभी भी हमारी साध्वी बहनों को आकर मिल सकते हैं, आध्यात्मिक विचार विमर्श कर सकते हैं। जो महात्मा जनों का आश्रम है सेक्टर 38D में 3507 में है, वहां पर भी आप आकर कभी भी मिल सकते हैं। जैसे ये आपके सेक्टर में मंदिर कमेटी के द्वारा कथा होने जा रही है, चल रही है, मान लो आप अपने घर में, अपने सेक्टर में, अपनी गली में, कहीं पर भी संस्थान का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, चाहे वो भजन संध्या हो और सुंदर कांड हो, शिव कथा हो, कोई भी कार्यक्रम आप अपने बच्चों के जन्मदिन के ऊपर, मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर, किसी तरह का भी आप अपने सेक्टर में, गली में, घर में भी कार्यक्रम करवाना चाहे तो संस्थान वो भी करता है। आप एड्रेस ले सकते हैं स्टॉल से और संस्थान के साथ संपर्क कर सकते हैं। और हमारा YouTube चैनल है, बट कुछ लोग साध्वी बहनों को कल भी पूछ रहे थे कि स्वामी जी ये तो अब 2 दिन में कथा खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करें। आसान सा आपको तरीका बताते हैं, आप सबके पास एंड्रॉयड फोन है, 90% लोगों के पास है, और YouTube के ऊपर संस्थान का एक चैनल है DJJS World, आप उसे सब्सक्राइब करें। घर में जब भी आपका दिल करे, चाहे आप राम कथा सुनना चाहते हैं, भजन सुनना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में किसी भी तरह प्रवचन सुनना चाहते हैं, आप उसके ऊपर घर बैठे सुन सकते हैं। संस्थान का पूरी दुनिया में कहीं पर भी कार्यक्रम जब लाइव होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप घर में बैठे भी कथा को सुन सकते हैं। सो और भी संस्थान के आप लिटरेचर है, आयुर्वेदिक स्टॉल लगा हुआ है, वो आप विजिट कर सकते हैं। संस्थान का एक ऑर्गेनिक नूर महल में बाग है, उसके द्वारा बनाया गया एक स्टॉल पे ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी जैम आया है, और भी शरबत भी है, आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं। मंदिर कमेटी की ओर से आप सबके भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है, आरती के पश्चात लंगर होगा हर दिन की तरह, वो जैसे मंदिर कमेटी की व्यवस्था है आप उसमें सब में। एक बात का मैं ध्यान आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूं कि जब तक आप सेवादारों का सहयोग नहीं देंगे व्यवस्था सही नहीं चल सकती।
आप चाहते हैं कि मंदिर की कथा की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बताइए। यदि चाहते हैं तो लंगर में जैसे आपको सेवादार रिक्वेस्ट करे, चाहे आपको 5-7 मिनट वेट करना पड़े, आपने वेट करना है, पर व्यवस्था अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए। लाइन बनाकर जैसे सेवादार आपको रिक्वेस्ट करे, आप उनका व्यवस्था को बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करें। अब कुछ मिनट के लिए मंदिर के सदस्य आपसे विचार रखेंगे, सो मैं निवेदन करता हूँ कि वो आपके समक्ष जो आगे की प्रक्रिया है आरती से वो करें। बोलिए श्री सदगुरु भगवान की। सारण बताइए कि 5 तारीख तो शुरू हुई कथा, आज तीसरा दिन है, 2 दिन हो रह गए हैं, तो ज्यों ज्यों दिन निकलते हैं त्यों त्यों आनंद ज़्यादा बढ़ता है। तो जिमें कि आप रोज़ जो भी डेली दे मुख्य जजमान होंगे हैं उन्होंने आप सरोपा पा के उन्हों का सन्मान करते हैं। आज के लंगर की व्यवस्था स्वर्गीय सतपाल शर्मा जी जो मंदिर के पूर्व अध्यक्ष रहे उन्होंने परिवार वालों जिन्हों के सपुत्र आज भी मंदिर के कोषाध्यक्ष उस परिवार वालों रही तो उही परिवार अज मुख्य यजमान से। मैं TR शर्मा जी नूं, सेतिया जी नूं और रमेश शर्मा जी जो अपने वाइस चेयरमैन है तीनों उन्होंने गांव गए मंच से आन ते वो इस परिवार को सरोपा पा के सन्मानित करन। रमन जी आओ जी, परिवार को लेके आओ, आ जाओ, उनका नाम बोलता हूँ, उन तो उठ लो। बोलो ना जाके, हाँ जी बोलो यार। प्रधान सेट्टी साहब तुझे ना लाओ यार, थोड़ा थोड़ा बुलाना पैना, तू तो वैसे कट गया। आओ जी आओ, फोटो मान लिया है। हाँ हाँ फोटो मान, आइए प्रधान जी आओ। आज दे लड्डुआं दी जरा प्रसाद है उहदी सेवा अश्विनी जी जो सैक्टर 63 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसीएशन के प्रधान है उस परिवार वालों से, तो उन्होंने विखाओगे अपनी धर्मपत्नी जी नाल थोड़ा जल्दी आन। और सारे ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ TR ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ। ਪੜੋ
आओ जी आ जाओ सारे अकॉर्डिंग लाइन वाइज। अज के भंडारे विच खीर का लंगर मीना ग्रोवर जी HL 367-74 उन्होंने वालों दिता गया है, तो उन्होंने भी कहांगा कि 2 मिनट लिए मंच पर आ जाए। वाजू मीना जी सीनियर IAS ऑफिसर एंड श्रीमती रजिंदर अरोड़ा जी वह भी पहुंचे हुए हैं, मैं उन्होंने भी कहूँगा मंच पर आन। तो उन्होंने नाल मनमोहन दादा जी रिटायर्ड सीनियर ऑडिट ऑफिसर वो भी इतने पहुंचे, उन्होंने भी कहे मंच पर आन। मेरी बहुत मनती है रविंदर संधु करके मैंने जाता है इसका, और मेरी से बहुत मनती है आशमा बहुत मनती थी इसमें मैं उसके करके जाते हैं। एक अपने विच जितेश जी, जितेश जी और जो छबीलदास जी बैठे हो तो वह भी मंच पर आ जाए, क्योंकि जिस दिन तो यह कमेटी बनी है असी एक प्रण लिता कि हर मंगलवार 7 to 9 2 घंटे भजन होंगे, और ये तीनों जने अपनी बखूबी ड्यूटी हर मंगलवार अपनी दुकान तो दुकान को छड़ के, क्योंकि 10 बजे तक दुकान तो आते हैं, पर उस दिन ये 7 बजे जितेश जी छबीलदास जी के पुत्र है और छबीलदास जी इस मंदिर की नींह रखने वाले चो एक है, तो जितेश जी जो इतने बैठे हैं तो वह भी आ जाए। आप रोज़ अखबारों में लगभग 8 to 10 अखबारों में रोज़ जो ये कथा चल रही है वो बारे पढ़ते हैं, देखते भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी देखते हैं, और फिर मीडिया सी चैनल नाम तो यूट्यूब पर लाइव चलता है। आप कभी भी श्री राम कथा फेज 9 शिव मंदिर पा के देखिए तो यूट्यूब पर कितने भी बैठ के आप देख सकते हैं, तो वो भी मैं जो सानू हुण भी कवर कर रहे हैं विजय जी तो दोनों कहांगा कि 2 मिनट ही आ जाए, उन्होंने भी सन्मानित अज कर दिए सरदियाँ गाला भी खाते हैं और फिर भी चलते रहते हैं। तो शकुंतला सीतिया जी जो कि इस मंडल के प्रधान हैं, उन्होंने कहांगा कि अपनी टीम को लेके आन, क्योंकि उन्होंने टीम को भी असं सन्मानित करना चाहते हैं। वो मैं प्रकाशवती जी XMC और प्रीतम राणी जी जो साढ़े प्रधान जी के मदर है, प्रकाशवती जी वैसे मेरे मदर मैं दस देव कि नाराज ना जो, तो प्रीतम राणी जी जो प्रधान जी संजीव कुमार जी के मदर हैं, और आप सारे ने कल लंगर बहुत डिसिपलिन लिता से और खाया से, अच्छ उस तो भी ज़्यादा आप डिसिपलिन दिखाइए ताकि आपको देखने वाला कोई भी कहे जो डिसिपलिन 9 फेज़ है वो सारी जगह आप होना चाहिए, वो आप तैयार रहिए कि उसी डिसिपलिन अज भी सारे ने लाइना बना के आरती तो बाद, आरती तो पहला नहीं आरती हो जाए भोग लग जाए उस तो बाद आप सारे ने लंगर चकना। देखो जी मेला शक्ति हर साल मंदिर में लगभग 1 लाख रुपया घर घर कीर्तन करके इकट्ठा करके 1 to 1.5 लाख रुपया हर साल देंगे मंदिर में, ताड़ियां दे
सारे थोड़ी जोर के ताड़ियां मारो ना, इस वास्ते तो महिलावां भी महिलावां ने नहीं ताड़ियां जोर के मारनगियां, फिर की फायदा। एक सैक्टर 67 मंदिर तो जो इस समय प्रधान है हरबंस लाल कालिया जी, वह भी साढ़े विच अज पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी कहूँगा कि वह भी आन, उन्होंने भी सम्मान किया। एक मनोज जी हैं मैक्स हॉस्पिटल तो, वो भी आ जाए। मनोज जी मैक्स हॉस्पिटल तो जल्दी आ जाए। प्रधान जी सीधे हो जाओ सर, दे दो उपे हम बस करो, इधर देखो सीधा थोड़ा थोड़ा पीछे सीधा देखो, आ भाजी भी आओ बेटा इधर आ जाओ थोड़ा पीछे सर, हाँ जी इधर देखो जी, वन रेडी फॉर शूट, थोड़ा पीछे रह गया मेरे तो बोलना, कल दो दिन तो रहिंदा जा रहा है भूल गया, जो अज लंगर आपां 3 दिन तो ग्रहण कर रहे हैं वो लंगर देखो किसी ने तो बनाना है, तो मीरा सेवा दल है हंसराज जी जो कि उस उनका संचालन करते हैं, जो इत्थे खड़े हैं तो वह भी आ जाए, अदरवाइज उन्होंने कल सम्मानित कर देंगे। मीरा सेवा दल जीरकपुर तो है, उन्होंने द्वारा ये लंगर रोज थोड़े लिए तैयार किया जाता है, बड़े प्यार नाल बड़े सत्कार नाल वो लंगर सारी संगत विच वंडिया जाता है, तो उन्ने ही सत्कार नाल अपनी संगत भी उन्होंने मान बख्श रही है कि बड़ी डिसिप्लिन नाल वो लंगर आप ग्रहण कर रहे हैं। तो आओ हुण आप आरती लेके वधीए, जय श्री राम। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझ को रिझाऊं, 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 रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, शीश पे रघुकुल मुकुट विराजे, गले पीतांबर सुंदर साजे, गले पीतांबर सुंदर साजे, अजनों में तेरे पुष्प चढ़ाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, गाए शोभित है जग जननी, गाए शोभित है जग जननी, चरणों को चापत है सुत अंजनी, चरण को चापत है सुत अंजनी, अजनों में तेरे बलिहारी जाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, लखन लाल जी विराजे नाए, लखन लाल जी विराजे दाए, भरत शत्रुघ्न बल बल जाए, भरत शत्रुघ्न बल बल जाए, बलिहारी तुमरे जाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया
सारी रजनों को दे दे सदा पखारूं हे रघुवर तेरी आरती गाऊं हे रघुवर तेरी आरती गाऊं दीन जनों के आप हो मालिक दीन जनों के आप हो मालिक दूर करो दुख ही जग पालक दूर करो दुख ही जग पालक रजनों में तेरे शीश झुकाऊं हे रघुवर तेरी आरती गाऊं हे रघुवर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझे कोरी धाऊं प्यारे तुझे कोरी आरती गाओ प्यारे तुझे कोरी आरती गाओ प्यारे तुझे कोरी हे रघुवर तेरी आरती गाओ 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुजगेन्द्रहारम सदावसंतम हृदयान्विते भवम् भवानी सहितम् नमामि भवम् भवानी सहितम् नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण सत्य सनातन धर्म की जय भारत माता की जय गौ माता की जय धरती माता की जय जय कारे वीर बजरंगी हर हर महादेव जय कारे वीर बजरंगी हर हर महादेव तो इसी के साथ ही आज की कथा प्रसंग को विराम दिया जाता है।